हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स। जो हमने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे आप लोगों ने, उससे रिलेटेड जो सवाल बनते हैं वो सवाल आज करेंगे, ठीक है। जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है पहले वो लेक्चर देख लें, क्योंकि सारे सवाल उसी लेक्चर से रिलेटेड है, ओपन सर्किट टेस्ट से रिलेटेड सारे सवाल हैं। एक एक करके देखते हैं सवाल को। और फर्स्ट सवाल है, अ 400 अपॉन 200 वोल्ट ट्रांसफार्मर एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ओपन सर्किट टेस्ट को लो वोल्टेज साइड कंडक्ट किया गया है, तो उसकी रीडिंग दी हुई है आयरन लॉस की। आयरन लॉस की वैल्यू कितनी दी हुई है? 100 वाट। आयरन लॉस की वैल्यू कितनी है? 100 वाट। सेम टेस्ट को उसने हाई वोल्टेज साइड कंडक्ट किया है, आयरन लॉस की वैल्यू पूछ रहा। तो मैंने ये स्टेटमेंट दो तीन बार बताया वहाँ पे, प्रीवियस लेक्चर आप खोलोगे तो उसमें दिख जाएगा कि ओपन सर्किट टेस्ट हो या शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो, आइदर आप उसको लो वोल्टेज साइड कनेक्ट करो या हाई वोल्टेज साइड, वाट मीटर की रीडिंग चेंज नहीं होगी। तो अगर ओपन सर्किट टेस्ट की बात करें तो जो उसकी वाट मीटर की रीडिंग होती है वो कौन सा लॉस बताता है? कोर लॉस। और कोर लॉस बोलो या आयरन लॉस बोलो, दोनों बातें क्या है? सेम है। तो यहाँ पे भी आयरन लॉस की वैल्यू भी क्या होगी? सेम होगी। सेम मतलब 100 वाट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन कौन सा होगा? बी। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा सवाल है ना। मैंने इसलिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड सवाल इसमें डाले हैं जिसको सॉल्व करने में दिक्कत जाती है ना। नॉर्मल इस टाइप के सवाल आप आराम से टिक कर सकते हो, छोटे छोटे सवाल जो बनते हैं ए जे के पेपर में देखोगे छोटे सवाल होते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, 80% सवाल ऐसे होंगे जो डायरेक्ट देख के टिक लगेंगे, ठीक है। 20% सवाल थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो हमें वर्क उसी 20% पे ही करना है, तभी आगे निकलोगे, अदरवाइज आपसे पेपर नहीं निकलेगा। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखो। द नो लोड करंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज 20 एम्पियर एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.20 व्हेन कनेक्टेड टू 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। कैलकुलेट द मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट ऑफ करंट। तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट प्रीवियस लेक्चर फिर से खोल के देख सकते हो। प्रीवियस लेक्चर मैंने क्या बताया था, ये जैसे मान लो 5 एम है, ये सप्लाई वोल्टेज V1, ये IC, ये IM, इन दोनों का समेशन देखोगे, ये I0, ये एंगल होगा आपका φ0, ठीक है, ये एंगल होगा आपका φ0। तो देखो φ0 की वैल्यू गिवन है, cos φ0 की वैल्यू कितनी गिवन है? cos φ0 देखो कितना दिया हो, 0.20, यानी cos φ0 की वैल्यू गिवन है 0.2 एंड I0 की वैल्यू है 20। इसने पूछा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, तो अगर हम IC की वैल्यू देखें तो जो I0 है, I0 को इंटू cos φ0 किसकी वैल्यू होगी? IC की। IC की वैल्यू क्या लिखोगे? I0 cos φ0। IM की वैल्यू प्रीवियस लेक्चर फिर से देख सकते हो, IM की वैल्यू मैंने क्या लिखा था? I0 sin φ0। तो अगर मैं IC लिखूं तो ये लिखूंगा I0 cos φ0। I0 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20 × 0.2 कितना हो गया? ये 4 एम्पियर। कितना हो गया? 4 एम्पियर। तो IM की वैल्यू निकाल सकते हो अब। IM की वैल्यू मैंने बताया था, अल्जेब्रिक समेशन नहीं है, वेक्टर समेशन है, ध्यान रखना हमेशा, अल्जेब्रिक समेशन नहीं है, वेक्टर समेशन। I0 गिवन है, I0 कितना है? 20 एम्पियर, 20 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो गया 400, ये हो गया 16, 400 माइनस 16 तो होगा √384। अब √384 नहीं पता है, एग्जाम में बैठे हो, क्या करना है भाई? ये तो पता है कि 19 वाला होगा, 19 प्लस में, तो इसमें ऑप्शन देख कर टिक करना है आपको, ध्यान रखिएगा। √384 आपका पेपर में आया हुआ है और उसका हमें पता नहीं कि क्या रूट होगा, तो ये तो पता है कि 19 का ऊपर होगा, प्लस में होगा, है ना। तो ये आप, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19.6 एम्पीयर, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन SSC JEE में या अदर AEJEE के पेपर में ऐसे भी आते हैं कि डायरेक्ट ऑप्शन देख के भी आप टिक कर सकते हो, कुछ में आपको ऑप्शंस भी चेक करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपको पेपर में दिखे कैलकुलेशन वाला, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जैसे सपोज दैट 100 क्वेश्चन दिए हुए टेक्निकल वाले, तो आपको ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो 15 नंबर क्वेश्चन पे अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स पार्ट
कुछ कैलकुलेटिव पार्ट इस टाइप का क्वेश्चन कुछ दिख गया तो जरूरी नहीं कि उसको सॉल्व ही करके आगे बढ़ो, उसको स्किप कर सकते हो, मार्क एंड रिव्यू कर दो, आगे बढ़ जाओ, 100 क्वेश्चन कंप्लीट देख लो, उसके बाद फिर उस क्वेश्चन पे दोबारा वापस आओ, ठीक है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े क्वेश्चन बनाने के, कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनाने के चक्कर में आगे के 4-5 क्वेश्चन छूट जाते हैं और वो 4-5 क्वेश्चन वही क्वेश्चन होते हैं जो तुमको आते हुए होते हैं, है ना। तो आता हुआ क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ध्यान देना। थर्ड क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें ओपन सर्किट टेस्ट का डाटा गिवन है, ओसी टेस्ट का। अब ओसी टेस्ट का डाटा गिवन है, इसने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट ब्रांच पैरामीटर्स, तो कैसे निकालोगे। तो मैंने दो मेथड बताया, दोनों मेथड जो आपको इजी मेथड लगता हो, है ना, वो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आरसी निकालोगे तो क्या लिखा था मैंने, वी रेटेड का स्क्वायर अपॉन पीसी। तो देखो ये हो गया वोल्ट मीटर की रीडिंग, वी रेटेड है, ये नो लोड करंट आई नोट है और ये वैल्यू क्या है पीसी। तो वी रेटेड, रेटेड वोल्टेज कितना दिया हुआ 120 का स्क्वायर, पीसी की वैल्यू कितनी है 80। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 180 ओम। आरसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 ओम। आरसी की वैल्यू एक बार कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद आपको फाइंड आउट करना आईसी। आईसी मैंने लिखाया था वी रेटेड अपॉन आरसी, तो वी रेटेड कितना 120, आरसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180। इसको निकालोगे तो आएगा 0.667 एम्पीयर। ये आपके किसकी वैल्यू हो गई, आईसी की वैल्यू। जैसे ही आईसी आ गया तो आईएम निकाल सकते हो, आईएम लिखोगे अंडर रूट आई नोट स्क्वायर माइनस आईसी स्क्वायर। आई नोट गिवन है आमीटर की रीडिंग, आई नोट आप आमीटर की रीडिंग डाल सकते हो, आमीटर की रीडिंग कितनी गिवन है 4.2, तो हो गया 4.2 का स्क्वायर। आईसी गिवन है 0.667 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी 4. ये वैल्यू लगभग आएगी आपके 4.146 एम्पीयर, ठीक है। जैसे ही आईएम की वैल्यू आ गई तो आप एक्सएम कैलकुलेट कर लोगे। देखो कभी अगर पेपर में आया तो नॉर्मल, अगर आरसी आया तो कैलकुलेट तो इजीली कर लोगे, एक्सएम की वैल्यू थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कैलकुलेट करना। तो अगर एक्सएम लिखोगे तो ये लिखेंगे वी रेटेड अपॉन आईएम, तो वी रेटेड कितना है 120, आईएम की वैल्यू कितनी है 4.146। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये अगर 28.94। ये मैंने एक तरीका बता दिया आपको कैलकुलेट कैसे करना है, मैंने मेथड तो लिखा था, है ना। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, किसी चीज़ को अप्लाई करोगे तो ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में रिटेन रहेगा, है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। फॉर्मूला रट्टा मत मारो, फॉर्मूला को जितना ज़्यादा क्वेश्चन में अप्लाई करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन की बात करें तो 100 केवी 2400 अपॉन 240 वोल्ट 58 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्म हैज एन एक्साइटिंग करंट। एक्साइटिंग करंट में कंफ्यूज मत हो जाइए, एक्साइटिंग करंट नो लोड करंट को ही बोला जाता है। तो नो लोड करंट यानी एक्साइटिंग करंट की वैल्यू इसने दी हुई है पहले से 0.64 एम्पीयर, एंड कोर लॉस की वैल्यू गिवन है, कोर लॉस की वैल्यू गिवन है ना। ये प्रॉब्लम में बहुत को दिक्कत आती है, बहुत स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत आती है ध्यान समझिएगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया ऐसा कि जो ओपन सर्किट टेस्ट है वो किस साइड कंडक्ट कर सकते हैं, कर तो दोनों साइड सकते हैं, बट प्रेफर किस साइड करते हैं, लो वोल्टेज साइड, प्रेफर किस साइड करते हैं लो वोल्टेज साइड। लेकिन कर तो दोनों साइड सकते हैं, दोनों साइड में वाट मीटर रीडिंग क्या आएगी, सेम आएगी। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में इसने मेंशन करके रखा कि किस साइड को इसने एनर्जाइज किया है। देखिए ये लिखा हुआ है हाई वोल्टेज साइड, तो आप रेटेड वोल्टेज जो पुट करोगे ना वो लो वोल्टेज वाला मत पुट कर देना, गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन में इसने पहले से ही मेंशन कर रखा है कि जो कोर लॉस और नो लोड करंट की वैल्यू है ये कब की वैल्यू है, जब किस साइड से एनर्जाइज किया गया है, हाई वोल्टेज साइड को एनर्जाइज किया गया है। तो देखो यहाँ पे पीसी इज इक्वल टू वी रेटेड इंटू आई नॉट इंटू कॉस फाई नॉट, ये लिखा था मैंने। ये है फाइ एम, ये वी वन इक्वल टू माइनस ऑफ वी वन बोल सकते हो रेटेड वोल्टेज, ये आई सी और ये आई एम, ये दोनों का समेशन आई नॉट, ये एंगल फाई नॉट। तो आई नॉट कॉस फाई नॉट थोड़ी देर पहले किए अपन, क्या लिखोगे आई सी, तो इसको क्या लिख सकते हो कंप्लीट को आई सी। तो पी सी इज इक्वल टू वी रेटेड इंटू आई सी, तो पी सी की वैल्यू कितनी है 700। रेटेड वोल्टेज ये ध्यान रखना, रेटेड वोल्टेज हमें
240 नहीं लेना है, रेटेड वोल्टेज हमें कितना लेना है 2400, कितना लेना है 2400, तो इसको लेना है 2400 इनटू आईसी। क्यों लेना है बात समझ में आ रही है? इसमें क्वेश्चन में बकायदा मेंशन कर दिया है कि किस वोल्टेज सप्लाई दे रहा है, किस वोल्टेज के साइड, किस वोल्टेज साइड, एचवी साइड। तो आईसी की वैल्यू ये निकालोगे तो ये आएगा 0.292 एम्पियर, ठीक है। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, कोरलोस कंपोनेंट के जगह अगर इस क्वेश्चन में इसने मेंशन कर देता मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, अगर इस क्वेश्चन में मान लो मेंशन कर दिया होता मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट भी आराम से निकाल सकते, इससे निकाल लेते। कैसे निकालते? Im इज इक्वल टू अंडर रूट, ये लिखते I नोट की वैल्यू गिवन है 0.64 माइनस IC की वैल्यू अभी कैलकुलेट किया तुमने 0.292, ये कैलकुलेट करोगे आएगा 0.57 एम्पियर, 0.57 एम्पियर। बातें यहाँ तक क्लियर है सबको? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ये जितने तीन क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, बट इसको बताने के पीछे का रीज़न ये है कि हम वही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट करेंगे जिससे हम हज़ार स्टूडेंट से आगे निकल जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी ऐसा कंपटीशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपको खुद पता होगा कट ऑफ कितनी हाई जा रही है हर पेपर का, है ना। लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन को अगर पढ़ें तो फिफ्थ क्वेश्चन में इसने मेंशन किया है कि ओपन सर्किट टेस्ट वॉज डन ऑन ट्रांसफॉर्मर विथ रेटेड वोल्टेज एट रेटेड फ्रीक्वेंसी, इफ द ओपन सर्किट टेस्ट इज नाउ डन ऑन द ट्रांसफॉर्मर विथ डबल द रेटेड वोल्टेज एंड डबल द रेटेड फ्रीक्वेंसी। तो डेविएशन से रिलेटेड सवाल कैसे सॉल्व करने और क्या क्या सवाल बन सकता है डेविएशन से रिलेटेड। देखो एक बात ध्यान रखना, जिस दिन तुम्हें क्वेश्चन कंपोज करना आ जाएगा उस दिन तुम्हारा पेपर निकल जाएगा। एक क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हो बेटा तो सिर्फ उसी को अटेम्प्ट करके छोड़ मत दिया करो, उससे क्या क्या क्वेश्चंस और बन सकते हैं उसी को मॉडिफाई कर लिया करो। मॉडिफाई करना अगर सीख गए तो पेपर बहुत ईजी हो जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम डेविएशंस वाले पार्ट से ही करेंगे, बट डेविएशन से बहुत सारे पार्ट के क्वेश्चंस खुद से कंपोज कर सकते हो। तो डेविएशंस क्या, कि मैंने बताया था कि जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है वो किस पे कनेक्ट करते हैं, रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर अदर देन रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे कंडक्ट करें तो किस किस पैरामीटर में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो वोल्टेज मान लो सपोज दैट रेटेड है, फ्रीक्वेंसी तुमने लेस देन रेटेड कर दिया, तो अगर मैं बीएम की वैल्यू देखूं तो बीएम ये लिखते हो तो एफ फ्रीक्वेंसी लेस देन रेटेड है, तो फ्रीक्वेंसी अगर लेस देन रेटेड मतलब वैल्यू कम तो बीएम की वैल्यू हाई, ठीक है। अब जैसे बीएम बढ़ेगा वैसे ही तुम्हारे एक्स्ट्रा फ्लक्स को सेटअप करने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट आईएम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। आईएम क्या है, कौन सा कंपोनेंट है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, सर्किट को मैग्नेटाइज करने के लिए जो करंट रिक्वायर्ड होता है। तो अगर बीएम की वैल्यू बढ़ गई मतलब फाइम बढ़ गया, क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम ही है, फाइम बढ़ने का मतलब आईएम बढ़ जाएगा। आईएम बढ़ने के बाद अगर मैं कोर लॉस की बात करूं तो कोर लॉस दो लॉसेस का समेशन होते हैं। लॉसेस वाला पार्ट जिन्होंने पहले कवर नहीं किया होगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो वीडियो बाद में डाल दूंगा, है ना, उसका टेंशन ना ले, थोड़ा सा पेशेंस रखें, धीरे धीरे करके मैं सारे वीडियोज डाल दूंगा स्टार्टिंग वाले भी। तो अगर यहाँ वी वाई एफ रेशियो कॉन्स्टेंट नहीं है तो कुछ ऐसा लिखते हैं अपन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कम, तो फ्रीक्वेंसी कम तो पीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पीसी बढ़ने का मतलब अगर मैं बोलूँ कोरलोस कंपोनेंट ऑफ करंट दैट इज आईसी, तो अगर कोरलोस बढ़ गया है तो वी रेटेड इनटू आईसी लिखोगे तो आईसी क्या हुआ है, बढ़ गया है। तो कोरलोस कंपोनेंट ऑफ करंट आईसी क्या हो गया, बढ़ गया। तो जो नो लोड करंट होता है वो दोनों करंट का समेशन है, आईएम बढ़ गया आईसी बढ़ गया तो आई नोट भी क्या होगा, बढ़ गया। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस फाई नोट, तो कॉस फाई नोट फेजर से ध्यान रखा करो तो इजीली टिक कर सकते हो। कैसे टिक करोगे देखो जरा, ये तो पता होगा कि ग्राफ जो होता है फाई वर्सेस आई दैट इज ए फाई एम
और ये मानो मैग्नेटाइजिंग एट IM, ये होता नॉन लीनियर। ये कैसा होता है? नॉन लीनियर। मान लो सपोज दैट φm लिख लो या फिर bm लिख लो, बात सेम है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। मान लो ये bm है, 1 मान लेते हैं, इसके क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू है IM1, इतना करंट रिक्वायर्ड है इतना फ्लक्स सेटअप करने के लिए रेटेड वैल्यू, ठीक है। अब सपोज दैट अगर ये ग्राफ लीनियर होता तो फ्लक्स में जितना चेंज होता, सेम चेंज किस में होता? मैग्नेटाइजिंग करंट में। लेकिन ये ग्राफ लीनियर है क्या? नहीं, नॉन लीनियर ग्राफ है। तो अगर मान लो कम फ्रीक्वेंसी क्रॉसपॉन्डिंग फ्लक्स डेंसिटी, मान लो सपोज दैट इतना बड़ा ये BM2, तो क्या सेम इतना बढ़ेगा क्या? नहीं। देखो यहाँ पे ये कहीं दूर जाके ऐसे टच होगा, मान लो यहाँ पे, तो IM की इंक्रीज क्या होगी? बहुत ही हाई, यानी IM2 बोल सकते हो मच ग्रेटर देन IM1। मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट का जो इंक्रीज है या डिक्रीज भी, नॉन लीनियर ग्राफ है ना, तो इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा इसका? डोमिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं फेजर देखूँ तो फेजर में कैसा देखोगे? देखो ये φm, ये v, ये IC, ये IM, ये दोनों का समेशन ये है I0। ये एंगल कितना? φ0, ठीक है। अभी क्या हुआ है इसमें, IM और IC दोनों बड़ा है। अगर IC इतना बड़ा, IM भी उतना बढ़ता, तो I0 तो सेम लाइन पे रहता, तो φ0 भी सेम रहता। बट मैं क्या बता रहा हूँ, जो IM वाला ग्राफ है वो कैसा है? नॉन लीनियर। मतलब इसका जो इंक्रीज है इन कंपैरिजन टू IC बहुत ही हाई है। तो IM क्या होगा? मान लो इतना बढ़ गया, IC कितना? थोड़ा सा। अब दोनों का समेशन लोगे तो ये नीचे आएगा, और ये जो φ0 है ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो φ0 ग्रेटर देन φ0, तो cos उल्टा हो जाएगा, यानी cos φ0 लेस देन cos φ0। मतलब पावर फैक्टर क्या हो गया? पावर फैक्टर क्या हो गया? डिक्रीज। अब इससे रिलेटेड तुम खुद से क्वेश्चन घर पे बैठ के बहुत सारे कंपोज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको बस देखो क्या करूं, यहां पे इसको मैं केस टू कर दूं और इसको मैं ग्रेटर देन कर दूं, तो घर बैठ कर खुद कर सकते हो, क्या आएगा चेंजेस? देखो ये बड़ा, ये क्या होगा? डिक्रीज। IM क्या हो जाएगा? कम। ये इंक्रीज, तो ये भी क्या होगा? डिक्रीज। तो IC भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ये दोनों डिक्रीज हो गए, तो ये भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और IM क्या हुआ है? घटाया, तो cos φ0 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इससे रिलेटेड सवाल आप बहुत सारे देख सकते हो, है ना, बना सकते हो, खुद से भी बना सकते हो सवाल, है ना। मैंने फिर बोला, जैसे खुद सवाल बनाना सीख जाओगे तो पेपर निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना, ध्यान रखना इस बात का। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, देखो इसमें क्या किया है। इसमें वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों क्या कर दिया है? डबल कर दिया है। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों क्या किया है? डबल। तो अगर मैं BM लिखूं तो BM क्या लिखते हैं? V/F। ये भी डबल, ये भी डबल, तो BM रिमेंस क्या रह जाएगा? कांस्टेंट। और BM कांस्टेंट का मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ कंपोनेंट क्या होगा? कांस्टेंट। BM कांस्टेंट का मतलब IM क्या होगा? कांस्टेंट। अब IM कांस्टेंट है, अब IC पे देखें तो IC की वैल्यू जरा देखो, रेटेड वोल्टेज रेटेड फ्रीक्वेंसी, मतलब BM की वैल्यू कांस्टेंट। तो PC अगर लिखे कोर लॉस, तो ये लिखोगे हिस्टेसिस लॉस प्लस AD करंट लॉस। तो V/F रेशियो जब कांस्टेंट है तो pH लिखोगे kH/F प्लस ये लिखोगे k×F², है ना। लॉसेस वाला पार्ट में फिर बता रहा हूँ, आगे कवर कर दूंगा, ठीक है, अभी बस देख लो यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? डबल। तो डबल का मतलब बढ़ गया फ्रीक्वेंसी, तो PC कोर लॉस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कोर लॉस बढ़ने का मतलब अगर ये बढ़ेगा तो IC कंपोनेंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी जो दूसरा करेंट कंपोनेंट है दैट इज IC, वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो वहां ध्यान से देखो, IM की वैल्यू क्या है? कॉन्स्टेंट। IC क्या? बढ़। तो IC अगर इंक्रीज हो रहा है और IM क्या है? कांस्टेंट, तो देखो क्या बनेगा, देखना है ध्यान से। I0 अगर मैं लिखूं तो I0 पता है दोनों का फेजर समेशन IM प्लस IC। IM तो कांस्टेंट ही है, IC इंक्रीज हुआ है, तो ये भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, सही है। तो करंट बढ़ जाएगा, तो करंट इंक्रीज वाला ऑप्शन दो है, एक तो ये है, एक तो ये है।
अगर ऐसा होता कि एक ऑप्शन ना होता करेंट इंक्रीज वाला, तो डायरेक्ट टिक करो आगे बढ़ जाओ, है ना। देखो पेपर निकालने का तरीका होता है बेटा, ये ऑप्शन अगर देख रहे हो, अगर इसमें पावर फैक्टर रिलेटेड तुमको आगे सॉल्व करना पड़ेगा भी इसमें, तो क्योंकि दो ऑप्शन मैच हो गया। अगर ऐसा होता कि सिर्फ एक ऑप्शन होता करंट इंक्रीज का, तो इतना तक काम कर चुके थे तो उसको टिक करो आगे बढ़ जाओ, घर आके देखो फिर उसको कि दूसरा वाला जो पावर फैक्टर वाला पार्ट है वो कैसे सॉल्व करें, वो बाद की बात है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि दूसरा पार्ट कहीं से इंटर रिलेट होता भी नहीं है, बहुत सारे ईजे के पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अगर पहले पार्ट का आंसर आपको पता है और उससे रिलेटेड अगर आपको ऑप्शन टिक हो जाता है तो उसको टिक मार के आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे पावर फैक्टर की बात करें, अगर पावर फैक्टर की, तो देखो ये सपोज दैट आईसी और ये आईएम, नो लोड पावर फैक्टर हमेशा बहुत ही पुअर होता है क्योंकि एंगल बहुत ही बड़ी होती है, फाइन नोड, ठीक है। अब करंट देखो, आईएम करंट तो सेम है क्योंकि बीएम की वैल्यू क्या है, सेम है, तो आईएम सेम है। आईसी क्या हो गया, बढ़ गया, तो आईसी इंक्रीज कर दो, आईसी डैश, आईएम को सेम रखो, सेम है, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये आई नोट डैश मान लो। देखो एंगल, देखो एंगल रिड्यूस हो गया, एंगल फाइन नोट डैश लेस देन क्या है, फाइन नोट। तो कॉस लिखोगे तो कॉस तो उल्टा हो जाता है ना, कॉस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कॉस फाइन नोट डैश ग्रेटर देन कॉस फाइन नोट, यानी पावर फैक्टर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पावर फैक्टर भी इंक्रीज का मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। अब इसको आप चेंज कर सकते हो, वोल्टेज को कांस्टेंट रखो, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दो, डबल कर दो, या फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखो, वोल्टेज को डबल कर दो, ठीक है, दोनों को हाफ ऑफ कर दो, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आप खुद से कंपोज कर सकते हो, ठीक है। लास्ट बात देखो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो, क्योंकि उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है और वो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। कभी घर पर खाना खाते हो, मम्मी के हाथ का खाना खाते हो, उठ के चले जाते हो, मैं इसका कोई फीस तो लगा नहीं रहा हूँ, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ लाइक सब्सक्राइब और शेयर। क्योंकि घर पे भी खाना खाते हो अगर मम्मी के हाथ का, तो क्या करो, अगर कभी बड़ाई कर दो तो उस खाने के टेस्ट में अलग से चेंज तो नहीं आएगा, यानी मेरे कंटेंट में भी कुछ अलग से चेंज नहीं आ जाएगा, मेरा जो कंटेंट वही रहेगा, लेकिन उस कंटेंट को मेहनत करने, जो पीछे से जो लगा हुआ था मेहनत करने का, है ना, वो चीज़ें बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाता है, ठीक है। सेम वैसे ही अगर मम्मी के हाथ का खाना खा रहे हो, अगर कभी बड़ाई कर दोगे ना तो खाने के टेस्ट में चेंज नहीं आएगा, बट मम्मी को बहुत अंदर से अच्छा लगता है, तो ये चीज़ भी घर पे बैठते हो तो कभी किया करो, ठीक है। थैंक यू।